गुरु प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सासंग जी, आज जो हम आप जी के लिए साखी लेकर आए हैं, यह साखी एक 80 से 90 वर्ष के बुजुर्ग जी की है। देखिए, जब वह अंतिम पड़ाव पर थे, यानी कि अपनी आयु के अंतिम समय का सफर कर रहे थे, उस समय जब उनका कोई नहीं था, लेकिन देखिए कुल मालिक स्वयं उनके घर उनकी सेवा के लिए गए और उन्हें वहाँ सेवा और वहाँ जो उम्मीद आखिरी थी उसको पूरा किया। सत्संग जी, तो साखी मन तक बने रहिएगा। देखिए, अगर हम उस मालिक के भरोसे बैठे रहे और उसका नाम सुमरण करते रहे तो मालिक जरूर हमारा साथ देता है। तो साखी में हम आगे चलते हैं। सत्संग जी, यहाँ साखी एक 80 से 90 साल के एक सत्संगी बुजुर्ग जी की है। सत्संग जी, वे हर रोज देखिए सत्संग घर जाया करते थे और वहाँ सत्संग सुनते थे, और जब से नामदान की बख्शिश हुई थी वहाँ बड़े ही प्रेम और प्यार से भजन सुमरण में अपना पूरा वक्त दिया करते थे। सत्संग जी लगभग वह 80 से 90 साल के एक बुजुर्ग जी थी, अपने जीवन के आखिरी दिन काट रहे थे, और उन बुजुर्ग का इस संसार में गुरु के अलावा कोई और दूसरा सहारा नहीं था। बुजुर्ग जी की जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो चुकी थी और अब बुजुर्ग जी का एक बेटा भी था, लेकिन किसी बीमारी के कारण उनका बेटा बहुत ही बीमार था और वहां भी मर चुका था। अब उन बुजुर्ग जी का इस संसार में बहुत ही अकेलापन महसूस करने लगे थे और कोई नहीं था। सत्संग जी, उनके कुछ रिश्तेदार थे लेकिन वे कोई दूसरे शहर में रहते थे, और सत्संग जी रिश्तेदार भी उन बुजुर्ग जी का अगर ध्यान भी रखे तो कब तक रखे। हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहे और हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहता है, दूसरों के लिए किसी के पास कोई आज के समय में समय नहीं है। बुजुर्ग ने लगभग 55 साल पहले गुरु महाराज जी से नामदान लिया था और उस समय बुजुर्ग डेरे में एक सेवादार हुआ करते थे। बुजुर्ग जी ने अपनी सारी उम्र सेवा और भजन सुमरण में निकाली थी। गुरु धानी घंटे सुमरण का हुक्म देते थे, लेकिन बुजुर्ग जी लगभग 5-5 घंटे भजन सुमरण किया करते थे, कभी तो सारी रात भजन सुमरण में बैठे रहते थे। लेकिन अब बुजुर्ग जी की उम्र इस पड़ाव में आ चुकी थी कि उनको किसी के सहारे की बहुत जरूरत थी, क्योंकि अब इस उम्र में बुजुर्ग जी ठीक से ना तो चल पाते थे और ना ही अपने लिए कुछ बना पाते थे जिससे कि वह उनका पेट भर सके, और ठीक ढंग से ना ही कुछ वह कर पाते थे। सत्संग जी, इस उम्र में नज़र भी उनकी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, बहुत कम उन्हें दिखाई देने लगा था और उनको सुनाई भी कम देने लगा था। अब बुजुर्ग जी ज़्यादातर समय अपनी खटिया पर पड़े बिस्तर पर ही लेटे रहते थे और बाबा जी को याद किया करते थे, उनसे अरदास लगाया करते थे। कभी कोई जो मोहल्ले वाले रहते थे वो आकर खाना या पानी दे जाया करते थे, बुजुर्ग जी खा लेते थे और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटे हुए भजन सुमरण में लगे रहते थे। सत्संग जी, वह बुजुर्ग जी सोचते रहते थे कि अगर आज उनका बेटा इस संसार में होता तो उनकी देखभाल करता, लेकिन बुजुर्ग जी ने इस बात की कभी भी कोई चिंता नहीं की, क्योंकि उन्हें गुरु पर बहुत ही विश्वास था और वे हमेशा गुरु के हुक्म में रहा करते थे। और वे बुजुर्ग जी इस बात को मानते थे कि जो भी होता है कर्मों के हिसाब से होता है, कोई अपने कर्मों से बच नहीं सकता। आज जो मेरे साथ हुआ है मेरे अपने कर्मों के कारण है। अपने इस अकेलेपन को उन बुजुर्ग जी अपने पिछले कर्मों के हिसाब से देख लिया करते थे और खुश रहते थे। सत्संग जी, अपने जीवन के आखिरी 5-6 महीने बुजुर्ग जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और वे गुरु से हर बार अरदास किया करते थे कि अब मुझे यहाँ से ले चलो, हे मेरे सच्चे पासा, मुझे यहाँ से ले चलो, अब ऐसे मुझसे अकेले दिन नहीं कटता और ना ही रात कटती है। सत्संग जी, हम जितनी सांसें उस मालिक से लिखवा कर लाए हैं वह तो हमें यहाँ निकालनी ही पड़ती है। हम जब तक मालिक के घर शोक में नहीं होता इस संसार से कोई जा नहीं पाता। सत्संग जी, वह बुजुर्ग हर समय कुल मालिक को याद किया करते थे और बाबा जी महाराज जी से अरदास लगाया करते थे कि बाबा जी, मेरे आखिरी दिनों में
आप जी आकर मेरे संभाल जरूर करना। सासंग जी एक बार बुजुर्ग जी को बड़ी ही जोरों की पानी की प्यास लगी और उन्हें भूख भी लगी। उसके जो घर था उसमें वहाँ एक छोटा सा मटका रखा रहता था, उसमें पानी था, लेकिन ऐसी कारणवश आज मटके में पानी नहीं था। सासंग जी उनके जो मोहल्ले वाले हैं वहाँ के एक सत्संगी जो भाई थे वहाँ उनके घर में वहाँ मटका हर रोज पानी से भर जाया करते थे, लेकिन अभी हाल ही में एक हफ्ते से वहाँ भाई किसी काम के कारण बाहर चले गए और वहाँ बुजुर्गों को बोलकर गए थे कि हे बब्बा, यदि आपको किसी ही चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप घर वालों को बोल देना, वहाँ आपको कोई भी सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको दे देंगे। सासंग जी लेकिन उन बुजुर्ग जी को बहुत कम सुनाई देता था, इसलिए उस भाई की आवाज़ उनको नहीं सुनाई दी। वो भाई को समझा कर गए थे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत लगे तो ले लेना सासंग जी, लेकिन उनको सुनाई नहीं दिया। अब देखिए संसार में व्यक्ति को चाहे भूख कितनी ही सताए वह दिन काट लेता है, लेकिन प्यास ऐसी है अगर पानी ना मिले तो प्राण निकल जाते हैं। सासंग जी देखिए अब उनसे जो प्यास थी वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वहाँ बार बार कह रहे थे कि मुझे कोई पानी दे दो, मुझे प्यास लगी और वहाँ बहुत तड़पने लगे। तो वहाँ बुजुर्ग जी पानी के लिए बहुत तड़पे, लेकिन उन बुजुर्ग जी की मदद करने वाला कोई नहीं था। सासंग जी गुरु अपनी आत्मा को ऐसे कैसे किसी जीव को तड़पते देख सकते थे? देखिए अगली कड़ी सुनकर आप हैरान हो जाओगे। ठीक उसी समय किसी ने उन बुजुर्ग जी के दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा किसी ने नहीं खोला तो वह आदमी जो थे वहाँ दरवाजे को धक्का कर अंदर चले गए और वो बुजुर्ग के कमरे में गए। उन्हें देखा कि वह बुजुर्ग पानी के लिए तड़प रहे हैं, तो उन आदमी ने बाहर से पानी लाकर उन बुजुर्ग जी को पिलाया और कहा कि बाबा क्यों परेशान होते हो, आप इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सासंग जी जब उन्होंने देखा कि ये कौन है तो वह पूछने लगा कि आप कौन हो, तो उन्होंने बोला कि मुझे एक व्यक्ति ने बताया था कि आप बहुत अच्छे हो और बहुत ही भजन और सिमरन की कमाई करने वाले हो, इसलिए मैं यहाँ चला आया। मैं इस शहर में एक नया व्यक्ति हूँ, मुझे रहने को जगह चाहिए। मैंने सभी से पूछा लेकिन किसी ने मुझे जगह नहीं दी। सासंग जी तब उन्होंने कहा कि मुझे एक कमरा चाहिए, अगर हो तो थोड़ी सी जगह दे दो। सासंग जी उन बुजुर्ग जी ने कहा कि भाई जहाँ मैं रह रहा हूँ वो पूरा घर बहुत बड़ा है, इस मकान में आप चाहे जहाँ रह जाओ बिल्कुल बेफिक्री से रहना, मुझे ना तो आपके पैसे चाहिए और ना ही कुछ चाहिए, आप रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप उस मालिक के कुल बंदे हो जिसने मुझे अंतिम समय में जो मुझे प्यास लगी थी पानी की वो पिलाया है, आप बहुत ही नेक बंदे हो। सासंग जी यह कहकर वहाँ दोनों बात करने लगे। देखियो कुल मालिक दाता दयाल है, सभी को पता है कि जब उसकी रूह तड़पती है तो वहाँ जरूर संभाल करने आता है। सासंग जी तो उन्होंने कहा कि मुझे ना तो पैसे चाहिए और ना ही कुछ, तो बुजुर्ग ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव में मैं पैसे का करूँगा क्या, तुम तो रहने दो। सासंग जी वह आदमी कोई और नहीं बल्कि कुल मालिक स्वयं हमारे प्यारे बाबा जी थे, वह सिर्फ रूप बदल कर उन बुजुर्ग जी के संभाल करने आए हुए थे। सासंग जी बाबा जी ने उस महल में रहकर यानी कि जो कमरा था शुरू कर दिया। अब महल एक तरह का देखिए अमीरों का जो घर रहता है उसे महल कहते हैं, लेकिन गरीबों की जो झोपड़ी होती है वह भी महल से कम नहीं रहती, वहां पर रहना शुरू कर दिया। और अब बाबा जी खुद उन बुजुर्ग जी की देखभाल करने लगे, सेवा करने लगे, बुजुर्गों को खाना पीना पिलाना और जो वह बुजुर्ग जी थे उनको दवाई देना आदि चीजों का सभी का ध्यान रखना शुरू कर दिया। बाबा जी जैसे रूप बदल कर रहने लगे कुछ दिन बीते तो बुजुर्ग जी को बहुत ही अच्छा लगने लगा और उनका मन भजन सुमरन में और ज़्यादा लगने लगा। अब वह तो हर एक श्वास में सुमरन करने लगे। सदगुरु देखिए वह कहने लगे कि हे मेरे मालिका, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मेरे अंतिम समय में इस भले इंसान को मेरे पास भेज दिया। मैं तो हर बार अरदास करता था कि मेरे को अंत समय संभाल लेना, मेरा कोई सहारा नहीं, लेकिन वह बुजुर्ग जी जानते थे कि वो कुछ और नहीं बल्कि मालिक का स्वयं बंदा है। सासंग जी आखिरी समय आया तो बुजुर्ग जी ने सबसे बात करनी छोड़ दी।
और वहाँ बुज़ुर्ग बस एक ही सामने जो दीवार पर कुल मालिक की फ़ोटो लगी हुई थी उसको देखकर बार बार कहने लगे कि तेरा शुक्रिया मेरे प्यारे, तेरा शुक्रिया। सत्संग जी, बाबा जी उन बुज़ुर्ग जी के सिराने ही बैठे थे और बाबा जी ने उन बुज़ुर्ग के माथे पर हाथ रख दिया और प्रेम से कहा, भाई घबरा मत। और बाबा जी के जैसे ही हाथ स्पर्श उसके सिर से हुए, उन बुज़ुर्ग जी ने बड़े प्रेम और प्यार से कुल मालिक का नाम लेते हुए अंतिम श्वास ली। उस समय आसपास के सभी जो मोहल्ले वाले थे वो बुज़ुर्गों के कमरे में आ चुके थे और जब उन्होंने ये नज़ारा देखा तो उस आदमी के माथे पर हाथ रखते ही जो बुज़ुर्ग ने प्राण त्याग दिए थे, अगली श्वास ली थी, तो सब हैरान हो गए और सोचने लगे कि एक आम इंसान तो ऐसा चमत्कार कभी कर नहीं सकता। इधर जो मोहल्ले के सभी लोग जो बुज़ुर्ग के शरीर को नीचे उतारने लगे और कुछ देर के बाद जो मोहल्ले से देखा कि वो जो आदमी अब बुज़ुर्ग के घर किराए पर रहने आया था वो अब वहाँ पर नहीं था। उस आदमी को पूरे घर में खोजा गया लेकिन नहीं मिला, किसी को पता नहीं चला कि वह आदमी कहाँ गया। सत्संग जी, बाबा जी तो अपना काम कर गए थे, वहाँ से जा चुके थे। अब जो मोहल्ले के लोग समझ गए कि वह कोई और नहीं बल्कि उनके स्वयं गुरु थे, वह कुल मालिक था जो कि उस बुज़ुर्ग जी की संभाल करने आखिरी दिनों में आए हुए थे। तो सत्संग जी, यह साखी हमें क्या प्रेरणा देती है कि देखिए, यदि जो सत्संगी रहते हैं अगर नामदान लिए हुए हैं और उसके हुक्म में, गुरु के हुक्म में रहते हैं, तो उनकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, वह कुल मालिक स्वयं संभाल करने आता है। तो सत्संग जी, ऐसी वीडियो पाने के लिए सदगुरु प्यारे चैनल को आप जी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिल सके। जी शुक्रिया।